ये जो सामने आप देख रहे हैं कवर्ड जो जगह की गई है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठ के वजू की थी। जामा मस्जिद के दोनों ओर ये ऊंची ऊंची दो मीनारें बनी हुई हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये पूर्वी द्वार है, जो मुगल बादशाहों का शाही प्रवेश द्वार हुआ करता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विजय और आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद दिल्ली की। तो अभी चलते हैं हम जामा मस्जिद में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं, गेट तक पहुँचने के लिए हमें 35 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी तब हम गेट तक पहुँचेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जामा मस्जिद में तीन गेट हैं तो हम तीन नंबर गेट से इंटर कर रहे हैं, ये तीन नंबर गेट है। तो अभी चलते हैं जामा मस्जिद के अंदर। जब जामा मस्जिद के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो जूते आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं। एक जोड़ी जूते का जो चार्ज है वो 10 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं। जामा मस्जिद में प्रवेश करने के बाद बहुत ही शानदार लुक नज़र आता है अंदर। जामा मस्जिद जिसे मस्जिद जहाँ नुमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी गिनती भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में होती है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1644 से 1656 ईस्वी के बीच कराया था। यह मस्जिद मुग़ल बादशाहों की शाही मस्जिद हुआ करती थी। जामा मस्जिद में तीन बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीन मंजिला पूर्वी द्वार है। पूर्वी द्वार ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूर्वी द्वार है, जो मुग़ल बादशाहों का शाही प्रवेश द्वार हुआ करता था। जामा मस्जिद को इस्लामिक शक्ति का प्रतीक पूरे भारत में माना जाता था। जामा मस्जिद के दोनों ओर ये ऊंची-ऊंची दो मीनारें बनी हुई हैं। इनकी लंबाई 40 मीटर है और संगमरमर से धारीदार बनी है। दोनों मीनारों के शीर्ष पर संगमरमर की छतरी लगी हुई है। पर्यटक मीनार की चोटी पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट टिकट अलग से लगता है, जो कि 50 रुपये का टिकट होता है। प्रत्येक मीनार में लगभग 130 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के ऊपर से दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इस मस्जिद को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के अनुसार बनाया गया है, यह इसकी बाहरी डिज़ाइनों में देखने को मिलता है। हालांकि मस्जिद का जो इंटीरियर है अंदर का, वो आगरा की जामा मस्जिद से कॉपी किया गया है, वैसा ही दिखता है। प्रार्थना कक्ष में तीन संगमरमर के गुम्बद बने हुए हैं। जामा मस्जिद के अंदर 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र जामा मस्जिद का है। ये जो सामने आप देख रहे हैं कवर्ड जो जगह की गई है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठ के वजू की थी। शाहजहाँ के मन में एक ख्वाब आया था, तो यहाँ की लोकल लोगों का ऐसा कहना है कि इसी स्थान पे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के वजू की थी। ये वजू करने की जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं और अपने हाथ पैर यहाँ पे धुलते हैं, वजू करते हैं नमाज जाने से पहले। जामा मस्जिद के निर्माण में करीबन 10 लाख का खर्चा आया था। उस समय दिल्ली की जामा मस्जिद मुग़ल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना भी माना जाता है। मस्जिद में हर वर्ग के लोग आ सकते हैं, यहाँ किसी को मनाही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली का ये खूबसूरत सफ़र आपको कैसा लगा है? आप भी अगर कभी जामा मस्जिद घूमने आए हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर हमें बताएं। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।